सीएचएमओ ने रेजिडेंसी रोड पर संचालित लैब पर सीज की कार्यवाही। जोधपुर शहर के सीएमएचओ डॉक्टर एसएस शेखावत ने बताया कि बुधवार को डिप्टी सीएमएचओ महेंद्र सिंह सहित विभाग की टीम ने रेजिडेंसी रोड पर संचालित एंडोक्राइन लैब सीज की कार्यवाही की है। विभाग को इस लैब को लेकर कई बार शिकायत मिली थी। टीम ने बुधवार दोपहर अचानक लैब में दबिश दी और व्यवस्थाओं पर स्टाफ की जाँच की। बुधवार को एक लैब को सीज किया गया। टीम को लैब में कई खामियां मिली थीं। अधिकारियों का दावा है कि जिले में लैब पर कार्यवाही कर सीज करने का ये पहला मामला है। जोधपुर शहर के सीएमएचओ डॉक्टर एसएस शेखावत ने बताया कि बुधवार को डिप्टी सीएमएचओ महेंद्र सिंह सहित विभाग की टीम ने रेजिडेंसी रोड पर संचालित एंडोक्राइन लैब सीज की कार्यवाही की है। विभाग को इस लैब को लेकर कई बार शिकायत मिली थी। टीम ने बुधवार दोपहर अचानक लैब में दबिश दी और व्यवस्थाओं व स्टाफ की जाँच की। अधिकारियों ने बताया कि जाँच के सामने आया है कि लैब में क्वालिटी वाइज रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इसके साथ ही वहाँ पर प्रशिक्षित स्टाफ के स्थान पर स्टूडेंट काम कर रहे हैं। लैब के पास फायर एनओसी भी नहीं है। इसके साथ ही रिपोर्ट जाँच करने वाले एक्सपर्ट स्टाफ और रेडियोलॉजी सेफ्टी ऑफिसर भी लैब में नहीं है। यहाँ पे एलर्जी के टेस्ट वगैरह सही नहीं किए जाते हैं। सीएमएचओ साहब ने टीम बना के यहाँ इंस्पेक्शन के लिए भेजा था 23 तारीख को। उस टीम ने जो निष्कर्ष निकाला उस निष्कर्ष के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अनियमितता पाई गई थी। उसके लिए आज इसको सील किया गया है। आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। अनियमितें इसमें रजिस्ट्रेशन का इशू था। रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था। सिटी स्कैन मशीन चल रही है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। यहाँ पे ईसीजी हो रही है, ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है। एक्सरे हो रहा है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। ऐसी कई अनियमितताएँ पाई गई है जिसके खिलाफ आज एक्शन लिया गया। लैब प्रोप्राइटर का नाम नईम खान करके है, उनका है। उसका कोर्ट केस चल रहा है, उसका अपना कोई वो इशू नहीं है। अपने में तो जो अनियमितताएं चल रही थी, जो जांचें सही नहीं हो रही थी, उसके खिलाफ एक्शन लिया। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।